मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से यूपी में बाबा का बुलडोजर काम कर गया। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अब यही कमाल भाजपा मध्य प्रदेश में भी करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर मामा का बुलडोजर चलाया गया है। हाल ही में उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि मामा का बुलडोजर चला है, जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा रुकेगा नहीं। शहडोल में आप देख लो क्या कार्रवाई हुई है, सिवनी में बुलडोजर चलाए, श्योपुर में बुलडोजर चलाए, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया, गुंडागर्दी करने वालों मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने भी गुंडे और अपराधी हैं वो ध्यान से सुन लें कि अगर किसी गरीब और कमजोर की तरफ हाथ उठाया तो मैं मकान खोद कर मैदान बना दूंगा, किसी कीमत पर चैन से नहीं रहने दूंगा। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं, चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। दरअसल ये एग्रेशन दिखाने की दो वजह है, इसमें से पहली वजह है यूपी चुनाव के नतीजे। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए योगी ने बुलडोजर से जो अपनी हीरो वाली छवि गढ़ी और हार्ड कोर कैंपेन चलाया उसने सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के गरीब और सरकारी जमीन अखिलेश के गुंडों ने कब्जाई, योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ की जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली करा ली। तो दूसरी वजह की बात करें तो वो है पिछले एमपी विधानसभा चुनाव का सबक। तब बीजेपी का नारा था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, लेकिन ये चला नहीं और मामा सरकार गवा बैठे। समीक्षा में सामने आया कि पार्टी ने जो अपनी लाइन लंबी करने की बजाय विरोधियों पर ज्यादा फोकस कर दिया था, दोनों वजहों को मिलाकर ये लगभग तय हो गया है कि एमपी में हार्डकोर हीरो की तरह कैंपेन अगर चलाया जाए तो सत्ता पाने की राह मुश्किल नहीं। हाल ही में भोपाल की सड़कों पर एक तस्वीर नजर आई थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर के साथ दिखाया गया था। देखिए मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती से माफियाओं का नाश करना चाहते हैं, माफियाओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, बेटियों की पूर्ण सुरक्षा कर देना चाहते हैं। जो बहन बेटियों पर बुरी नज़र डालेगा, जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, जो बहन बेटियों के साथ रेप करेगा, वो किसी भी जाति वर्ग का हो उसके तहसनहस किया जाएगा, उसको उजाड़ा जाएगा। आपको बता दें कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी अपराध और अपराधियों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी की तरह शिवराज सिंह चौहान की छवि भी कठोर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। शिवराज ने भी सीएम योगी की तरह बुलडोजर वाली स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है।